केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची कानपुर, जहां पर पहुंचकर उन्होंने कानपुर में हुए अग्निकांड की घटना पर जताया दुख। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही कर रही है। इसके साथ ही राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी के मामले में अदालत ने जो सजा राहुल गांधी को दी है, उस पर मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए ऊपरी अदालत में जाना उनका अधिकार बताया। आपको बता दें, जूही विनोबा नगर स्थित परिवार के निधोपरांत सदस्य के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी मंत्री अनुप्रिया पटेल। आज कानपुर आए हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ अग्निकांड हुआ, यहाँ पर करीबन 800 व्यापारी बर्बाद हो गए, उनको किस तरीके से सांत्वना देते, क्या राज्य सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना है कानपुर में, जो अग्निकांड में बहुत बड़ी जानमाल की क्षति हुई है। और मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूँ, हम आज उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, कि सरकार ने इस घटना का पूरा संज्ञान लिया है और सरकार की हम सब की पूरी संवेदनाएँ हैं, और इसमें सरकार अपना भरसक प्रयास कर रही है कि जो भी हमारे पीड़ित पक्ष हैं उनको पूरी तरीके से न्याय मिल सके और उनकी जिस तरीके से भी जानमाल की क्षति हुई है उसकी बेहतर से बेहतर ढंग से भरपाई हो, और इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी पर्याप्त इंतजाम करने में उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहती हूँ, आप सरकार की ओर से पूरा प्रयास आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए निरंतर किया जा रहा है, सरकार आपके प्रति पूरी संवेदना रखती है। मैडम, नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, क्या अपना दल भाजपा के साथ चलेगी या अपना दल अलग से कुछ सीटें लगाएगा? वर्ष 2014 से अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ हर चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। NDA का अपना दल एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण घटक है, और जहाँ तक स्थानीय निकाय चुनाव का प्रश्न है तो हर सीट पर NDA का प्रत्याशी होगा और NDA के अंग के रूप में ही इस चुनाव में प्रतिभाग करेगा। राहुल गांधी की 77 रात हो गई, आज वो गुजरात जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अदालत ने राहुल जी को एक मामले में सजा सुनाई थी और उनके पास भारत के नागरिक होने के नाते ये अधिकार है, और उन्हें तो बहुत पहले कोर्ट की शरण में पहुंच जाना चाहिए। अदालत से न्याय मांगना, न्याय की गुहार लगाना, अपील करना उनका अधिकार है, और जयकारिश मिलने आप जाएंगे?